अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत की बातें बाज़ुकात जो असर एक पूरी किताब नहीं कर सकती, वो दो सत्रों में कही गई बातें कर देती हैं। इंतज़ार किस बात का है, चले चलते हैं उन अनमोल बातों की तरफ। तवज्जो फरमाएं। किसी फ़िक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपके तलीम याफ्ता होने की निशानी है। बेवकूफ़ आदमी का असल उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। जो शख्स बहाने बनाने में अच्छा हो, वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफ़ी है कि हर शर की कश्मकश में अच्छे लोग कुछ ना करें। जन्नत का हकीकी मुस्तहिक वो है जो कुर्बानी के दर्जे में उसका तलबगार बने। आज का मुसलमान तो ख्वाहिश के दर्जे में भी उसका तलबगार नहीं। मैं कभी चुप रह कर नहीं पछताया, जब पछताया बोल कर पछताया। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। बेहतरीन इंसान वो है जो मसाइल हल करता है, बदतरीन इंसान वो है जो मसाइल पैदा करता है। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ाता नहीं है, दोनों यकसां तौर पर जाहिर रहते हैं। उसने क्या पाया जिसने खुदा को खो दिया, उसने क्या खोया जिसने खुदा को पा लिया। आज खुदा के नाम पर हर चीज़ की तरफ बुलाया जा रहा है, सिवाय उस चीज़ के जिसकी तरफ खुद रब ने बुलाया है। वक्त की बर्बादी कि सबसे बड़ी वजह उस काम का आगाज़ है जिसे आप पूरा ना करें। अगर आप मसाइल से निजात पाना चाहते हैं तो उन्हें हल करना शुरू कर दें। जहाज़ बंदरगाह में महफूज होते हैं मगर जहाज़ बंदरगाह के लिए बनाए नहीं जाते। खुदा ने चीज़ें इस्तेमाल करने और लोग मोहब्बत करने के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आपका दुश्मन वो है जिससे आपको नुकसान पहुँचे, कता नज़र उसके कि वो आपके खिलाफ है या आपके साथ। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। मुताला कीजिए, ये इंसान का वो शर्फ है जो किसी जानवर को हासिल नहीं।